प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हाईवे के जो फेलियर्स होते हैं, फेलियर्स के कारण किस किस तरह के प्रभाव को देखने पड़ते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिफॉर्मेशन अफेक्ट्स द सेफ्टी एंड राइडिंग क्वालिटी ऑन पेवमेंट एज इट में लीड टू वाटर पॉन्डिंग, दस इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ ट्रैफिक हजार्ड। यदि रोड का जो फेलियर हुआ है उसमें पूरे चांसेस हैं कि जगह जगह पानी इकट्ठा हो सकता है और ट्रैफिक की प्रॉब्लम सामने आ सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। क्रैकिंग अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट इनटू सब बेस एंड द सब ग्रेड एंड टेंड्स टू सॉफ्टन सब बेस एंड सब ग्रेड। द वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम टेंड्स टू वीकन द सॉइल एंड इन रिजिड पेवमेंट टेंड टू रस्ट द रिइंफोर्समेंट। जो पानी टूटी सड़कों पर भर जाता है, वो पानी जब नीचे परकोलेट करता है तो बेस और सब बेस को सॉफ्ट कर देता है, और यदि किसी तरह का रिइंफोर्समेंट हमने रिजिड पेवमेंट में डाला हुआ है तो उसकी रस्टिंग के चांसेस भी पूरे होते हैं। हाईवे फेलियर्स का सबसे बड़ा नुकसान है एक्सीडेंट्स। द रेट ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज ड्यू टू डिग्रेडेड रोड्स and driving on such roads become increasingly dangerous. Next इसमें आता है increase in faulty vehicles. जो vehicles खराब हो जाते हैं उनकी संख्या road failure या खराब सड़कों के कारण बढ़ जाती है. Vehicles wear down faster on degraded roads. Extent of damage done to vehicle sometimes very enormous. Waste of journey time and traffic congestion. यात्रा में हमारा जो समय है वो comparatively बढ़ जाता है और traffic congestion भी increase हो जाता है. Useful time is wasted on faulty roads. Faulty roads may cause excessive traffic congestion on our roads. Time gets wasted to avoid potholes, pavement gully and other defected part of the road. This makes movement on roads very slow and as such causes the waste of precious time. Aid to crime. ये यहाँ बड़ा important है कि road failure को हम crime से कैसे link कर रहे हैं, अपराध से कैसे link कर रहे हैं. The robbers may hide in the bush at the point where the road is quite bad. So that driver may make a temporary stop at that point to save their vehicles from unnecessary damage. At that point in time, the robbers will jump out from the bush and attack the vehicles. जिनको किसी तरह का अपराध करना, उनको पता है कि यहाँ पर इस जगह रोड खराब होने के कारण या तो ड्राइवर धीरे होगा या रुकेगा, उस समय वो उस स्थिति का फायदा उठा सकते हैं. It is difficult to stop the motorists against their wish. If the roads are in motorable condition, यदि roads अच्छी हैं, चलाने लायक स्थिति में, तो ये crime की स्थितियाँ कम है. Cause of soil erosion, potholes, cracks, and in some cases complete scraping of the road lead to penetration of the soil by water, which in most cases enable water to wash away the surface of the road way. Due to soil erosion. जो भी ये डिफेक्ट्स हैं जिनके कारण रोड फेलियर हुआ है, वहां पर पूरे चांसेस है पानी अंदर परकोलेट कर जाएगा और इट विल लीड टू सॉइल इरोजन. एडवर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. द डिटेरियरेटिंग नेचर ऑफ रोड्स एडवर्सली अफेक्ट्स द कंट्रीज इकोनॉमी. द फॉल्टी रोड्स एडवर्सली अफेक्ट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम and consequently intercepts commercial activities in the country. किसी भी देश की इकोनॉमी उसकी अच्छी सड़कों के साथ सीधी सीधी जुड़ी होती है. यदि हमारी रोड्स अच्छी नहीं है तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा. माल को या सामान को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाना इतना आरामदायक नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा, और जो भी हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं विपरीत रूप से प्रभावित होगी. It leads to breakdown of vehicles and other transport system
which consequently affect the movement of goods and personnel with the economy. Thank you very much.